भाइको अच्छा म्याम फुली हो युट्युब अब च्यानल मोनेटाइज होस् न भने आगो बाल्छ भाइले भाइले म्याम एक वर्षमा सेतो कार चल अकेला तेरा मेला पीछे छुटा राही चल अकेला मिसी यो नेपाली पैसालाई कन्भर्ट गर्न आँटेको हो मुझे सोधे को सोधे वाक्क एक तीर कोना भइराछ न अगर कहाँ जाने हात्तीको कण्डमा छिर्ने हो कहाँ रे हात्तीको कण्डमा छिर्ने हो हात्तीको कण्डमा जान्छ हात्तीको कण्डो भित्र जान्छ जाँदैन कण्डो भित्र छिर्ने हो धोती हग्न आइरहेछ उत्यो कण्डमा चुगेम डाँच्थ्यौ न टोइलेटमा हग्नु नि माया टोइलेट हुनु जङ्गलमा हग्न कुदेको छ नि यो धोतीहरू अहिले बिहानको 7:30 भयो अनि हामी यहीँनिर सुतेका थियौँ यो स्पेस चाहिँ हल्का राम्रो पिसफुल छ तर लिटरली यो धोतीहरूले रिउन गरिसकेको छ अनि वे विदाउट एनी द्याट डिस्कसिङ टक राइट हियर हेलो क्याम्पर्स गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु अनदर डे अफ माई लाइफ आज हामी 80 to 100 किलोमिटर्स हेचाइक गरेर कभर गर्ने ट्राई आउट गर्छौँ एन्ड फर्दरली हाइवे चाहिँ उति अगाडि छ उति जुन भवन देखिरहेको छ त्यो लास्ट टाइम कोरोनाको टाइममा क्वारेन्टिन बस्नको लागि बनाएर रहेछ त्यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी पनि छ अब एकछिन त्यहाँनिर मेरो पावर ब्याङ्कलाई चार्ज गर्ने मोबाइलसँग चार्ज गर्ने अनि त्यहाँबाट पुरा आजको डे आउटलाई प्लान गरेर हामी अघि बढ्छौँ के लाइन छैन ल त्यत्रो उखान गर्दै आएको त अनि के भयो त नि सुन भाइ अब युट्युबर स्युट्युबर बनिएला जस्तो छैन डेली गर अब उतै होटलतिर काम खोजेर काम गर्नु सुरुमा त्यही हो भाँडा मल्ने किचन हेल्पर त्यहाँबाट कुक सुप होइन ठिक छ नि ल मैले बाइक रोकिदिएँ अनि उहाँ चाहिँ लगभग 20 किलोमिटर जति जानुहुने रहेछ खटीमा अरे ठाउँको नाम आफ्टर वाइल मलाई पनि यहाँ लिफ्ट मिलिसकेको छ हाम्रो सन्तोष भाइ चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको छ हाम्रो सरले मलाई लिफ्ट दिनुभएको छ आफ्नो नेपाली आता है हामी लगभग त्यही आई थिङ्क 15-20 किलोमिटर कति किलोमिटर आइयो उहाँ दाइले मलाई यहाँ छोडिदिइसक्नु भयो हाम्रो सन्तोष भाइ चाहिँ अगाडि नै आएर यहाँ उभिराख्नु भएको छ म पर बोर्ने अरे ऊ चाहिँ लगभग त्यही कति त्यही 15 मिनट अगाडि आयो होला तिमी आएको 15 मिनट भयो के छ कति किलोमिटर आइयो छ 15 किलोमिटर त्यही 15-20 होइन टाढा त टाढै आइयो डेली जाने यता रहेछ नि त यहाँबाट त्यहाँको त्यहाँ खिच्यौ त्यो भिडियो त्यहाँको डिस्टेन्स अनि पैसा दियो तिमीलाई नै दाइ माग्यौ माग्ने भएन हतार त भागिहाल्यो हो हजुरले माग्नु भयो मागे छैन भन्यो ल
नो वरी, दैट्स ओके मैन. नाम सोध्नको लागि त पर्खिनु पर्खिनु भनेको यार. हो र भइहाल्छ क्या, अब यहाँ त कुरै गर्न चाहँदैन. कस्तो हो के गफ गरे बाटोमा? ए स्टन्ट देखाउँदैछ हाम्रो सोल्टीले, हात छोडेर म्याकुरी लडाउँछ भन्ने डरमा. यहाँ चाहिँ यो एउटा बोर्ड रहेछ, सबै थोकको डिस्टेन्स लेख्दैछ. हामी उता चाहिँ जाने होइन, हामी उतैबाट आएको. यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ के लेखेर, उयो धारचुला लेखाएको छ क्या त्यहाँनिर. त्यो धारचुला चाहिँ एक्चुली हाम्रो दार्चुलाको सदरमुकामको त्यो पारिपट्टिको जुन इन्डिया पर्छ नि, त्यसलाई चाहिँ धारचुला भन्छ. हाम्रोतिर चाहिँ दार्चुला भन्छ क्या. सो दिस इज इन्डिया राइट हियर. यहाँ पे एक पानी का मोटर है और इसको ताला लगा के रख दिया क्योंकि यहाँ पे चोरी होता है. और हमारे भैया वहाँ पे गया हुआ है वो शॉप पे, उसको भी एक लिप प्लीज वाला बोर्ड बनाना है जैसे कि मेरा वाला. वरना वो क्या करता है, उसमें एकदम से रास्ते में खड़ा कर लिफ्ट 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 लिफ्ट. हो यो फुटबल बच्चा का खिलौना है क्या ये? फुटबॉल? हाँ फुटबॉल. क्या है इसका नाम? खरबूजा. ये खरबूजा है? हाँ. अरे ये क्या है? ये तरबूज. अरे हम तो इसको खरबूजा बोलते हैं. ये इस तो ये फर्स्ट टाइम देखते हैं यार, केड़ा केड़ी को बॉल दस्त सा ऐस मेवा सही सा यार. ये क्या ले? नहीं कितना का है, कितना का है ये? कौन सा? ये वाला का वजन होगा इसका. अच्छा कितने कितना केजी? 70 रुपए किलो. अहिले बिहान को 10 बजिसक्यो, हामीले धेरै ठाउँमा भात किनेर खान खोज्यो, कहीँ पनि पाएन. यो पनि भातै हुन त, तर यो चाहिँ 50 रुपियाँको हो. छटकारी इधर आ, सिकाउनु न दन्दाई. क्या है भाई? अरे रुक त जा. अबे साले ब्रोफिस्ट मारने का भी टाइम नहीं है. किधर जा रहा है? उधर. और बोल, स्कूल नहीं गया? इन लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना भाई मेरा चैनल. ठीक है? नहीं भाई, यहाँ पे बोलना सब्सक्राइब कर दो भैया का चैनल. भैया के चैनल सब्सक्राइब कर दो. सरप्राइज नहीं यार, क्या सरप्राइज यार, सब्सक्राइब. हाम्रो सन्तोष भाई चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको छ, मैले पनि लिफ्ट पाइसकेँ हाम्रो सरसँग. एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हेल्पफुल हुनुहुँदो रहेछ उहाँले. यहाँ नेपाली पनि बुझ्नुहुँदो रहेछ अलिअलि. मेरो चाहिँ नेपालीमै भिडियो बनाउँछु. अब इन्डियामा आएपछि अब कुनै पनि हिन्दी बोल्न पडेको होइन यहाँ इन्डियामा, होइन? अँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट. यहाँ हाम्रो अर्को लिफ्ट मिलिसकेको छ एन्ड उहाँ चाहिँ 30 किलोमिटर्स अगाडि जानु भएको रहेछ. इज इट 30 किलोमिटर्स? न हाउ फार? 30 किलोमिटर. राइट, 30 किलोमिटर्स. थ्याङ्क यू फर स्टपिङ बाई सर, रियली अप्रिसिएटेड. It's really amazing, sir. कहाँ जा रहे हैं आप अभी? I'm heading to Delhi. Delhi by asking lift only. Lift only? Yes, sir. And single person? Yeah, I do have another friend. I don't know where he is, but he do ask lift only. के भाइ, के हुँदैछ? ठिक छ भाइ, आइपुगेछ त? आइपुग्यो नि यार. हजुरलाई भेट्न सानो टेन्सन लाग्यो. जानुभएको दुइटा चौरा रहेछ होइन? अब चाहिँ हामी जुन ठाउँमा जाने ठ्याक्कै चौरा यस्तो बिच छ नि, त्यसकै एरिया बस्ने क्या. त्यहाँ वरिपरि आउँछ अनि मैले खोज्छु अन्त हजुरले खोज्ने हो कि. त्यो साइडमा डेली लेखेको छ 304 किलोमिटर अनि बरेली 85 किलोमिटर छ, 85 किलोमिटर्स. सो हाम्रो अब नेक्स्ट भेट चाहिँ बरेलीमा हुन्छ. अनि सुन, बरेलीमा जो अगाडि पुग्छ नि त्यहाँको यस्तो बोर्ड हुन्छ नि, यहाँ मेन पिन पोइन्ट हुन्छ नि ठ्याक्कै चोक जस्तो ठाउँ, त्यहीँनिर बसिराख्ने बिन्दासमा चिलमा. अनि जो अगाडि पुग्छ नि म्याङ्गो मिस्कल हान्दिने हो. के छ दाइ, नेपाली बुझ्नुहुन्छ? ओन्ली हिन्दी? कैसे हो आप? एकदम एकदम बहुत बढिया है. सॉरी, हम दिल्ली जा रहे. दिल्ली? हाँ. हम लिफ्ट लेकर चलते हैं ना भैया. तो यहाँ पे ऐसे दिखा के खड़े होना है और जिसको भी हेल्प करना है वो लोग हेल्प कर देंगे. दिल्ली तक तो मैं छोड़ देता हूँ आपको. किस चीज में? बाइक से, कार से, जैसे मर्जी बोलो. अरे भाई, बिना पैसा का चल रहे हैं ना हम? पैसा के छोड़ देंगे हम यार. अरे यार भाई, यार
ऐसा मत बोलो यार, इतना कृपा भी नहीं चाहिए। 300 किलोमीटर है तो 300 किलोमीटर क्या है, इतनी दूर तो हम शुशु कर देंगे, इतनी दूर का है। अरे मेरे भाई, शादी किया क्या? नहीं है, नहीं किया। अरे यार शादी हुई ही नहीं है, सिंगल है हम, बड़े परेशान है यार दादा यार। ए भाई नेपाल में जाओ, आईफोन है? आईफोन है। एक बारी प्लीज, एक बारी दे दो ना भाई। साला आईफोन भैया ने गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे आईफोन चाहिँ छ अरे, गर्लफ्रेंड चाहिँ छैन अरे क्या दाइको। अब 13 प्रो मैक्स है। अच्छा 13 प्रो मैक्स, हाँ हाँ सही है यार। भाई कितना का है? 256 GB। अरे ए भाई तू क्यों इतना तड़पा हुआ लग रहा है? अरे यार क्या प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे लड़की नहीं मिलता क्या? लड़की मिलता है हाँ। लेकिन तो? धोखेबाज लड़कियाँ हैं आज। क्यों भाई? पता नहीं क्या चाहिए उनको, उन्हें पैसा चाहिए। पैसा नहीं है? पैसा है भी हमारे पास। वो तो खराब चीज है यार, हमारे वहाँ तो बाइक होने से ही पड़ जाती है। यहाँ बाइक से नहीं पड़ती है, यहाँ पैसे से पड़ती है। यही मॉल था पहले, अब पैसा नहीं है। भाई तूने तो लगता है शादी किया है। शादी कर ली, दो बच्चे हैं। कंग्रेचुलेशन, हाँ छोड़ दिया हाँ। क्या करते हो आप? जॉब कर। अच्छा नाइस। अरे क्या कर रहे हो यार, पीछे गिर विर ना जाए यार। सेटिंग में धोखा दे दिया। अरे यार एक एक शायरी मारो ना, ये मोहब्बत टूटा हुआ है ना जो, एक शायरी। हाँ शायरी मारे। वो रात दर्दो सितम की रात होगी, जिस रात उसकी बारात होगी। अक्सर उठ जाता हूँ नींद से ये सोचकर, कहरों की बाहों में मेरी सारी कहनात हो। बड़ा सपना है भाई का। चैनल यू हैव? हाँ हाँ। व्हिच नेम? मेरा कैंपर विद टेंपर। आई डोंट नो यार, फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ ना ऐसा, हमारे वहाँ पे मिलता नहीं ना। अभी भाई इनका शादी करवाना है भाई। यार भाई यार, ये तो पक्का है साला, तू चल मेरे साथ भाई नेपाल। हाँ मैं यार नेपाल की सिटीजनशिप मिल जाएगी मेरे को। अरे शादी तो नेपाली करो ना आप यार। मैं कर लूंगा, मेरे को लड़की चाहिए बेटर, एक नंबर। शादी नहीं किया है क्या? नहीं किया। सही में? हाँ पूछ लो, सबसे पूछ लो, शादी नहीं हुआ है भाई। क्यों नहीं किया यार? शादी करना मत है? क्यों? हमारी जैसी दुकान पे नजर रखना कि हम खाना बनाने जा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? अरे मजाक मजाक कर रहा है, जैसे भाभी जी गई हुई है ना कहीं। हाँ। तो उन्हें खुद खाना बनाना बनाना पड़ता है। हाँ। ये बोल रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ आईफोन वाला दाइले इज ऑफरिंग मी कैश एज वेल, दिस इज 30 rupees, नेपाल इज 48। उहाँले मलाई वेट गर्नु भन्नुभएको थियो त्यहाँनिर, वेट गर्ने क्रममा आई डिड ब्रस माई टिथ, अनि यहाँ हाम्रो दाइसँग आइसक्नु भएको छ। अलिक अगाडि जब छोडिदिने नि भन्नुभएको छ। हिन्दीमा बोलो यार। हाँ हिन्दीमा आफ्नै बोला था, थोडा आगे तक भी मैं छोड़ दूंगा है ना। एक बार ही आँख मार के दिखाइए वो वाला। नहीं नहीं भाई ऐसे झुकेगा नहीं साला, आँख मार। ये यहाँ का पूछता है भाई ये। ये मेरा बोर्ड है। अच्छा ये भाई बोल रहा है भाई, थोड़ा प्रमोशन कर दे। ठीक है भाई, ये देखो बताओ कुछ तो बताओ यहाँ पे क्या है। ये मेरा वर्कशॉप है गाड़ियों का, और हाँ, मैं सारी कार रिपेयर करता हूँ। हाँ, ये शक्लें नहीं आ तो गिरा दे। लोकेशन बता दो यार, पूरा बता दो। ये सितारगंज बिस्ती चौराहे का है। हाँ, उत्तराखंड। हाँ, सिंह नगर। हाँ ठीक है। हाँ बाकी इंडिया का पता है भाई, हो गया प्रमोशन भाई। यहाँ पे कोई कस्टमर आया अगर ये वीडियो देख कर डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा पूरा है ना, डिस्काउंट तो चाहिए। क्या है उधर? अरे भाई यहाँ पे फ्री का। अरे ये क्या चीज है भाई, भाई आज तो यार ये प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे। अरे क्या है भाई ये, तो जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल श्योर। जूता ये उतार।
ओए तू छुटकर क्या कर रहा है यहाँ? लोअर चिल्ला है। हैं? लोअर। ओए। हाँ। ओए। हाथ लगा। अरे ब्रो पीस दे दे रे। क्या होता है लोअर? ये। ओ ये है लोअर। इसको लोअर बोलते हैं? हाँ एडिडास। ये जो डाला है ये। हाँ। ओरे। ओए। ओए। Only for cost इसकी 150। 150 का? हाँ 150। अगर कोई ये वीडियो देखकर आया तो उसको देंगे 150 में देंगे ये। नहीं डिस्काउंट तो है ना? डिस्काउंट अगर तुम्हारी वीडियो देख के आएगा हाँ तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 100 में मिल जाएगा ना? बिल्कुल श्योर। अरे भाई आ जाओ यार 100 में लेके जाओ। ये देखो यार कितना बढ़िया क्वालिटी का है। ये छोटकरी ने बनाया हुआ है ना? हमारो आईफोन 13 प्रो मैक्स दाइले टूर करते हुए यहाँ। ओ डैम सन फार्म हाउस रहे यार पछाड़ी तो। ओहो ओरे ओए ये बॉयलर है एक। हाँ भाई ये किसका है? अपना है। अरे यार तू तो ऐसा ही आईफोन नहीं आया ना भाई यार। कुछ तो करता है ना भाई। भाई घर किधर है यार? सही में है ये घर भाई? अरे दाइले मलाई लिफ्ट पनि दिन लाग्नु भएको छ। अरे भाई मर्सिडीज है क्या? क्या है ये? मर्सिडीज बना दिया सुपर स्प्लेंडर को। ये स्प्लेंडर वाले मारेंगे साले। मर्सिडीज से कब कोलैबोरेशन हुआ है अपना? गैंग गैंग है। ओके ब्रोस बॉयज बाय बाय मैन थैंक यू। भाई बहुत बढ़िया यार थैंक यू मैन। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ। ओए 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 भाई इसका साउंड सुनो यार। अरे भाई ये जुगाड़ इंजीनियर क्या कर दिया? अरे उहाँ दाइले बाइकमा लगभग 5 किलोमिटर जति ल्याएर छोडिदिनु भयो अनि फेरि यहाँ गाडीमा लगाइदिनु भएको छ। हाम्रो सन्तोष भाइ र मेरो डिस्कसन थियो त्यो बरेली जाने 65 किलोमिटर्स होइन। भाइ चाहिँ उतै सायद पुगेन मलाई थाहा छैन होइन, तर यो यता जाने होइन क्या। त्यो बरेलीको रोड चाहिँ बेग्लै रहेछ होइन, अनि यताबाट म उताबाट आएको म यता जाने होइन क्या। दिल्ली चाहिँ यता होइन नि त, त्यो बरेली मात्रै हो। त्यो बरेलीदेखि यता आउने हो क्या भनेको। म बरेली पनि कटेर म 65 किलोमिटर्समा यता आइसकेँ क्या। अनि दिल्ली जाने मेन हाइवे चाहिँ यता हो क्या। अझै अहिले बेलुकाको 7:30 भइसकेको छ अनि हाम्रो सन्तोष भाइ चाहिँ यहाँदेखि 50 किलोमिटर पछाडि हुनुहुन्छ। आज अलिकति बाटो डिफ्रेन्ट पऱ्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि थोरै कन्फ्युजन मात्रै भएको हो। अहिले चाहिँ यो यति खानालाई चाहिँ 20 रुपियाँ हारे यही खाना खाइदिने हो अनि कतै टेन्ट लगाएर मस्त सुत्दिने हो। अहिले चाहिँ 8:30 भइसकेको छ एन्ड हाइवे त्यहीँ अगाडि छ। यो चाहिँ यो बस पार्क हो, यसको पछाडिपट्टि बस पार्क छ एन्ड यो चाहिँ हल्का सेफ ठाउँ लाग्यो किनभने यो अलिकति आई कन्ट्याक्ट पनि परिहाल्दैन क्या, बिकज त्यहाँनिर साडो छ, यो रुखहरूले पनि घेरिदिन्छ, यहाँनिर पनि यसले पनि घेरिदिन्छ अनि हल्का कम्पाउन्ड पनि छ वरिपरि
आज लोकेसन फरक फरक भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सन्तोष भाइ र मेरो चाहिँ बसाइ पनि अलग अलग भएको छ एन्ड सन्तोष भाइ चाहिँ 50 किलोमिटर पछाडि हुनुहुन्छ सुरुमा चाहिँ 70 किलोमिटर हुनुहुन्छ अनि मैले लोकेसन अपडेट गराइदिएको थिएँ उहाँलाई म्यासेन्जरमा अनि उहाँ यता आउँदै हुनुहुन्थ्यो आउँदा आउँदै 20 किलोमिटर मात्रै कभर गर्नु अरू 50 किलोमिटर रह्यो अनि रात परिसकेपछि उहाँ चाहिँ त्यतातिर सेल्टर लिनुभएको छ आई डोन्ट नो कहाँ बसेको छ के गरेको छ खायो खाएन राइट बट डेफिनेटली हि इज स्मार्ट गाई हि विल बी सेफ एन्ड हि विल बी इटिङ हि विल नट बी स्टार्भिङ होल नाइट मैले पनि खानासाना खाइसकेँ एन्ड आफ्नो टेन्टलाई लगाइ पनि सकेँ कम्प्लिटली होपफुली इट इज अ सेफ प्लेस राइट हियर एनिवे यति भन्दै आजको यस भ्लगलाई यहीँनिर समापन गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू गाइज सो मच फर वाचिङ दिस अन्टिल देन सी यू नेक्स्ट एन्ड लास्टली I believe I can fly. Bye. Good night.